फ्लैट प्रीमियम हो लेकिन ड्राइंग रूम के साथ साथ अगर आपको डाइनिंग का स्पेस भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी ना। किचन आपको ऐसा मिले जिसमें सफोकेशन की तो बात ही नहीं हो सके, दो दो यहाँ विंडो आपको मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी मिल जाए, साथ में बड़ी सी आपको पेंट्री मिल जाए, तो सर इसकी बात ही क्या है। बेडरूम ऐसा जिसमें बालकनी के साथ साथ बड़ा सा वार्डरोब मिल जाए, ड्रेसिंग टेबल मिल जाए और टीवी पैनल भी। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर से ही मिलेगा ही, आ जाइए। आज आपको 3 BHK फ्लैट दिखाने लाया हूँ जो द्वारका सेक्टर 3 दिल्ली के पास है। बहुत ही बेहतरीन ये 3 BHK का फ्लैट आप देखेंगे जो 100 गज में बना हुआ है, जिसमें लिफ्ट भी है, पार्किंग भी है। आप इस पर 90% तक लोन ले सकते हैं। घर के अंदर आपको अच्छा सा मंदिर मिल जाता है और एक बेहतरीन मॉड्यूलर किचन भी आपको मिलता है। तो प्यारे से, अच्छे से और स्पेसियस 3 BHK फ्लैट की टूर के लिए रेडी हो जाइए। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। और सर, घर सही मिलेगा यहीं, चाहे वो घर दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, द्वारका में हो, उत्तम नगर में हो, द्वारका मोड़ में हो या पश्चिम बिहार में हो। तो अभी जो 3 BHK का हम फ्लैट देखेंगे, इसमें आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं रोड। देखिए, इस तरह की आपको रोड मिल जाती है जो बहुत ही चौड़ी है, मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको फ्लैट मिलता है। साथ में जो आपको पार्किंग मिलती है, जहां आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, वो इस तरह का पूरा स्पेस आपको मिलता है। लिफ्ट देखिए रनिंग कंडीशन में ये आपको लिफ्ट मिलता है, और साथ में जो स्टेयर्स जिससे आप अपने घर के अंदर आएंगे वो आपको इस तरह से मिल जाता है। और सर एक चीज़ और भी बता दूँ, इसमें आपको दोनों बेडरूम से दो अलग अलग बालकनी भी मिल जाती है। घर में मंदिर है, बहुत ही प्यारा सा मॉड्यूलर किचन है। तो चलिए हम लोग चल लेते हैं और देख लेते हैं जो अपना 3 BHK है उसका पूरा लेआउट, समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। सर पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो सामने आपका ईस्ट फेसिंग है, घर के जब बाहर निकलेंगे तो वेस्ट फेसिंग आएगा। जैसे ही आप डोर क्लोज करते हैं तो ये आपको एक स्पेसियस ड्राइंग रूम मिल जाता है। किचन एकदम सेपरेट रखा गया है, किचन भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट कितनी बार होता है आप लोग चाहते हैं कि जो आपका ड्राइंग रूम हो आपके किचन से बिल्कुल सेपरेट हो, वो यहाँ आपको बखूबी देखने को मिल रहा है। ड्राइंग रूम आपने देख लिया, एज्यूम कर सकते हैं किस तरह से आप सोफा लगा सकते हैं यहाँ पे। ये बेडरूम मिलता है, इसके साथ आपको बालकनी मिल जाती है, वार्डरोब मिलता है, टीवी पैनल है, और साथ में यहाँ ये पूरा आपको मंदिर मिल जाता है। ये मॉड्यूलर किचन मिलता है वेंटिलेटेड, इसमें सिंक भी है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी है, और सामने जो विंडो ओपन हो रही है वो रोड की तरफ ओपन होता है। और ये आपको मिल रहा है सेकेंड बेडरूम, इसके साथ ड्रेसिंग टेबल है, वार्डरोब है और अटैच बालकनी है। यहाँ आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है, इसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। और जब थोड़ा इस तरफ आप आते हैं ड्राइंग रूम में तो यहाँ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। तो इस तरह से पूरा फ्लैट का लेआउट है। चलिए थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या आपको लगा के दे रहे हैं। जैसा फ्लैट दिख रहे हैं एज इट इज आपको फ्लैट मिलेगा जब आप हमसे लेंगे। अपर ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, फ्रंट का फ्लैट है, पूरे बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं। पीछे बैक साइड में 2 BHK है, फ्रंट में 3 BHK आपको मिल जाता है। फ्लोरिंग दिखाइए, बड़े साइज का हम लोग ने यहाँ पे वेटिफाइड टाइल्स यूज की है जो स्क्रैचलेस है, इजी टू मेंटेन है। और सामने जो दीवार देख रहे हैं इसमें 3D लुक का हम लोग ने वॉलपेपर यूज किया है दोनों दीवार में, और बीच में जो कॉर्नर निकल रहा है लोअर से वो हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है। और इसके ठीक सामने यहाँ पे आपको मिल जाता है स्प्लिट AC की वायरिंग जो हम लोग करके दे रहे हैं। जब आप L टाइप में यहाँ पे सोफा लगाएंगे, बीच में कॉफी टेबल होगा, इस तरफ आप जब बैठे होंगे, सामने TV देखने का मन होगा, आप TV लगाना चाहते हैं तो बड़ा सा यहाँ पे आपको TV पैनल मिल जाता है। इसके पीछे प्रोफाइल लाइट भी हम लोग ने दिया है, इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब जरूरत हो आप इसे ऑन कर लीजिए। 3 कैबिनेट्स यहाँ आपको मिलते हैं स्टोरेज के लिए, देखिए इस तरह के तीनों कैबिनेट्स मिल रहे हैं। और साथ में ये जो कॉर्नर बच रहा था इसे हम लोग ने ओपन कैबिनेट्स बनाए हैं, ओपन बॉक्स बनाए हैं डेकोरेशन के लिए, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ कुछ डेकोरेटेड आइटम रख सकते हैं या शो पीस आप रख सकते हैं।
अब हमें आप पीछे जाइए, एक बार सीलिंग की डिज़ाइन दिखाइए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिसेंट, सुपर सा ब्यूटीफुल एक इस तरह का पूरा आपको डिज़ाइन मिल रहा है फॉल सीलिंग के, जिसमें जो आप ये झूमर देख रहे हैं, सेंडलियर देख रहे हैं, वो हम आपको लगा के दे रहे हैं, और ऊपर कॉब लाइट एलईडी लाइट्स के साथ ये पूरा आपको स्पेस मिलता है। और सर एक चीज़ और भी बताऊं, यहाँ पे आपको प्रॉपर डाइनिंग का भी स्पेस दिया गया है। देखिए ये पूरा जो स्पेस आपको मिलता है, यहाँ आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा, चार चेयर बड़े आराम से आप यहाँ रख सकते हैं। इसके पीछे डिज़ाइन बनाने के लिए लोअर्स यूज़ किए गए हैं, और इस तरह का पूरा जो मिरर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा पीछे जाके दिखाइए, ड्राइंग रूम का अगर आप स्पेस में फिर से दिखाऊं, तो इस तरह का ये पूरा स्पेस मिल जाता है। जो कॉमन वॉशरूम आपको मिलता है वो यहाँ है, नीचे से ऊपर तक पूरा स्पेस आप दिखाइए। एंटी स्किड टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है, जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो हम लोग इसमें लगा के दे रहे हैं। और जो एक अच्छी बात है वो आप देखिए, यहाँ पे वैनिटी हम लोग ने दिया है, वॉश बेसिन है, इसी के नीचे सारे बॉक्सेस बनाए गए हैं, बाथरूम से रिलेटेड सारे स्टफ यहाँ आ जाएगा। ये बाथिंग एरिया पूरा आपको मिलता है बीच में, और इस तरफ वॉल माउंटेड सीट लगाया गया है। दो बॉक्सेस यहाँ पे भी निकाले गए हैं, जिसमें ग्रेनाइट का यूज किया गया है, स्पॉटलाइट दिया गया है, तो इस तरह का पूरा वॉशरूम और शावर आपको यहां मिल जाता है ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं, जो कुकिंग करते हैं उनका जो फेवरेट प्लेस होता है मॉड्यूलर किचन वो, बट ये दिखाने से पहले बात कर लेते हैं मंदिर की। यहाँ देखिए इस तरह का ये पूरा स्पेस हम लोग ने बना के दिया है। आप जानते हैं एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली जैसे शहर में आपको घर तो देता है, और घर में चाहता है वो कि एक से बढ़कर एक चीज़ आपको दे, जो आपको यहाँ मिल रहा है। अगर दिल्ली में कुछ भी आपको चाहिए, चाहे 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK है, जर से मकान है, एल टाइप का फ्लैट है, इंडिपेंडेंट हाउस है, सर कुछ भी, आप हमें फ़ोन लगाइए, हमारे कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सपनों का घर है उसे लेने में आपकी हेल्प करेंगे। मंदिर का स्पेस आपने देख लिया, यहाँ स्टोरेज आपको मिलता है, इसके ठीक नीचे यहाँ भी कैबिनेट्स दिए गए हैं। अब आ जाइए, चल लेते हैं अपन लोग किचन में। किचन में जैसे एंट्री लेंगे तो मैं चाहूँगा एक बार हमारा पूरा स्पेस दिखाइए। देखिए किचन का आप स्पेस देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरा इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाता है। किचन में स्पेस होना बहुत ज़रूरी हो है, किस चीज़ का, फ्रिज का, जो यहाँ आपको बखूबी मिल रहा है। देखिए बड़ा सा स्पेस आपको मिलता है, और ये पार्टीशन हम लोग ने कर दिया है कि कोई चीज़ गिर के इस तरफ ना आए, इसलिए यहाँ ग्रेनाइट पत्थर का ही पार्टीशन किया गया है। जब आगे आप चलेंगे तो थोड़ा क्लोज कीजिए, अमन इस तरह का देखिए, यहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, कुछ कटिंग चॉपिंग भी करते हैं तो स्क्रैच नहीं आएगी, बहुत ही बेहतरीन। अगर फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं किस तरह की फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत किचन। और किचन में हम लोग चाहते हैं कि वेंटिलेशन हो, जो आपको यहाँ मिल रहा है, एक विंडो यहाँ है और दूसरी विंडो आपको इस तरफ मिल जाती है। अगर तब भी आपको लगे वेंटिलेशन कम है तो उसके लिए हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी दी है, जो यहाँ है, धुआं हुआ कुछ आएगा तो उसे ये सोख कर लेगा। हिंदवेयर ब्रांड का यहाँ पे लगाया गया है, और इस तरफ मैं कुछ कैबिनेट्स आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह के ये सारे आपको कैबिनेट्स मिलते हैं, अंदर में भी माइका यूज़ किया है और बाहर भी माइका यूज़ किया गया है। यहाँ RO या गीजर के लिए स्पेस मिल जाता है, और नीचे अगर आप सिंक देखेंगे तो साउंड प्रूफ सिंक लगाया गया है, जैकवार ब्रांड का। मैं दिखाऊंगा आपको ब्रांड, एक बार क्लोज कीजिए, जैकवार ब्रांड का हम लोग ने यहाँ पे जो टैप है वो लगाए हैं, अपने हिसाब से आप इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और यहाँ भी एक आपको टैप मिल जाता है। नीचे बड़े सारे कैबिनेट्स मिलते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपको डिटेल्स में सब चीज़ दिखाऊं। देखिए इस तरह का और भी आपको कैबिनेट्स दिखाता हूँ, यहाँ भी स्पेस मिल रहा है। और किचन में हम लोग ध्यान रखते हैं, जनरली बड़े कंटेनर होते हैं किचन में, उसके लिए हम लोग अलग से कॉर्नर बना के देते हैं। यहाँ इस तरफ भी आपको ये सारे कैबिनेट्स मिल रहे हैं, क्लोज करिए हमें, देखिए ये सारे कैबिनेट्स हैं। आप ये कटलरी वेयर के लिए जनरली हम लोग देते हैं, स्मॉल यूटेंसिल्स आप रख सकते हैं इसमें, और इसके साथ जो दूसरा कॉर्नर है वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो जगह की कमी आपको आपके किचन में बिल्कुल नहीं खलने वाली, यहाँ भी स्पेस मिलता है, बड़े सारे स्पेस हैं किचन में। आपने ऊपर भी कैबिनेट्स देख लिया, नीचे भी कैबिनेट्स आपने देख लिए, यहाँ देखिए ये सब इतने सारे आपको जगह मिल रहे हैं। एक बार सीलिंग की डिज़ाइन दिखा दीजिए हमें, इस तरह से सीलिंग की आपको डिज़ाइन मिल जाती है, प्रोफाइल लाइट LED लाइट्स के साथ। एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा, जो ऊपर हम लोग ने कैबिनेट्स बनाए हैं वुडन के, उसके नीचे भी प्रोफाइल दी गई है ताकि रोशनी आपको प्रॉपर मिले। हालांकि किचन में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सामने 30 फीट की वाइड रोड है। तो इस तरह का ये पूरा हम लोग ने अभी मॉड्यूलर किचन देखा। अब आ जाइए, चल लेते हैं हम लोग अपने फर्स्ट बेडरूम में।
अगर मैं इस बेडरूम की बात करूं तो जिस तरह से ओपननेस आपको इसमें फील हो रहा है, 6x6 का बेड बड़े आराम से आएगा, वॉलपेपर यहां पे यूज किया गया है और साथ में इस तरफ आपको टीवी पैनल भी मिलता है, इसके साथ बैल्कनी भी मिलती है, वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए इस तरह के टीवी पैनल्स आपको मिलते हैं। यहाँ जो मैंने ड्रेसिंग की बात की थी वो आपको ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ मिल जाता है। इसके अंदर ये सारे स्लॉट्स आपको मिलते हैं जहाँ कॉस्मेटिक्स रिलेटेड आप आइटम रख सकते हैं, और ऊपर भी देखिए इस तरह का स्पेस मिलता है। अगर नीचे में दिखाऊंगा तो नीचे भी दो कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, और उसके बाद इसी के साथ बड़ा सा ये वार्डरोब फुल लेंथ में यहाँ दिया गया है, जिसमें हम लोग ने स्लाइडिंग डोर यूज की है। इस तरह से ये डीप स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ दूसरी तरफ भी मैं दिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर दो ड्रॉर्स भी मिलते हैं, उसके अंदर लॉक्स भी लगाए गए हैं ताकि आप कुछ सामान इसमें रख सकें। अंदर भी माइका यूज किया गया है, इनफैक्ट स्टेनलेस स्टील की रॉड है वो भी हम लोग ने लगा दी है। ऊपर जो फॉल सीलिंग की डिजाइन है वो इस तरह से मिल जाती है, और ये जो आप दीवार देख रहे हैं अगेन इसमें लोअर्स का काम किया गया है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी आपको विंडो मिलती है नीचे से ऊपर तक, और साथ में यहाँ विंडो एसी लगाने की प्रोविजन दी गई है। अब जो बैल्कनी मिल रहा है वो दिखाइए आप, इस तरह की बैल्कनी मिलती है आपको जिसमें आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। जनरली सोफा बेड ये सारे हमारे सैम्पल फ्लैट्स में लगे होते हैं, बट इसे हमने सोचा कि थोड़ा ओपन रखते हैं ताकि कुछ खुला खुला सा आपको महसूस हो, बट हाँ किसी भी बेडरूम में आपका बेड बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड बेडरूम देखते हैं, इसके साथ भी आपको बैल्कनी मिल जाती है। सर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको गिफ्ट हैम्पर जीतना है ना सानवी रियल एस्टेट से, तो आपको कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक बहुत ही आसान सा जवाब देना है कि पूरे फ्लैट में हमने टीवी पैनल कितने यूज़ किए हैं। अगर आपका आंसर सही होगा आप हमसे सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जीत सकते हैं एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर जो हम हमेशा देते हैं। एक टीवी पैनल यहाँ भी आपको मिल रहा है, नीचे कैबिनेट्स दिए गए हैं और ऊपर फोकस लाइट है, इसके ऊपर भी आप चाहें तो कुछ सजाने के लिए रख सकते हैं। अब इसमें वेंटिलेशन की बात करूंगा तो इसमें भी बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है, ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन दिया गया है, आप विंडो एसी लगा सकते हैं, और इस तरफ ये बीच का जो जगह आप देख रहे हैं इसमें बेड आ जाएगा 6x6 का। दोनों तरफ इस तरह की आपको डिजाइन मिल जाती है, यहाँ भी और यहाँ भी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिल्ली में घर चाहिए ना सर आपको, तो आप हमें एम सानवी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी जा सकते हैं सर, सब जगह आपको एम सानवी एस्टेट मिल जाएगा। अब स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें जो स्टोरेज दिया गया है वो दीवार के अंदर ही हम लोग ने दिया है। इसमें जो सीलिंग की डिजाइन है वो दिखाइए, और उसके बाद इसके साथ जो बैल्कनी मिलती है वो दिखाइए। मैंने आपको बोला था कि दोनों बेडरूम से आपको बैल्कनी मिलती है, एक बैल्कनी आपने देख ली, अब दूसरी बैल्कनी देखिए, दूसरी बैल्कनी आपको यहाँ मिल जाती है। चलिए अब चल लेते हैं अपने थर्ड बेडरूम में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं भी आप हमें देख सकते हैं। एक मिनट में अगर आपको पूरा फ्लैट देखना हो, रील्स देखनी हो, तो फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। ये थर्ड बेडरूम, इसमें जो फ्लोरिंग मिलती है उसका डिजाइन हम लोग ने अलग रखा है टाइल्स का, इस तरह का। ये भी डिजिटल टाइल्स है, वॉलपेपर यहाँ हम लोग ने यूज किया है, और ये अगेन फुल साइज में वार्डरोब बना के दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी आपको विंडो मिलती है, और ऊपर आप चाहें तो विंडो एसी लगा सकते हैं, हालांकि इसमें हम लोग ने स्प्लिट एसी की भी वायरिंग करके दी है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं और विंडो एसी भी लगा सकते हैं। इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है वो दिखाइए, इस तरह का ये पूरा वॉशरूम आपको मिल जाता है, जिसमें सारी सैनिटरी फिटिंग आपको लग कर मिलेगी। रूफ तक हम लोग ने इसमें टाइल्स लगाया है। अभी आपने देख लिया है 3BHK का पूरा फ्लैट, जो 100 गज आपको इसका यूजेबल एरिया मिल जाता है, किचन वेंटिलेटेड है, दो आपको इसमें बैल्कनी मिल जाती है, प्रीमियम फ्लैट है, सेक्टर 3 द्वारका के पास ये फ्लैट पड़ता है, द्वारका मोड़ इसकी लोकेशन है, मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलता है। तो सर अगर आप इसकी विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आइए, जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इसकी विजिट करवाएंगे, और ऐसे और भी हमारे पास बड़े सारे फ्लैट्स होते हैं वो भी दिखाए जाएंगे।
और मैं बता दूं सर, 3 BHK हमारे पास 35 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है कि इसका क्या प्राइस है, तो सर देरी बिल्कुल मत कीजिए, अभी के अभी फ़ोन उठाइए और इस फ्लैट का कितना प्राइस है, इस 3 BHK जो 100 गज में बना हुआ है, इसका कितना प्राइस है, इसके लिए हमें कॉल कर लीजिए। थैंक यू।